तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और वो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर दो ताकि आप भी मेरी तरह ड्राइंग बना पाओ। तो सेकंड पार्ट में हमारा सबसे पहला फोकस ये रहने वाला है कि स्किन टेक्सचर को और रियलिस्टिक कैसे बना पाएँ, क्योंकि ये जो पोर्ट्रेट मैं यूज़ कर रहा हूँ स्टोन कोल्ड का, उसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं। पहले तो बहुत छोटी से छोटी, और रियलिस्टिक का मतलब ये होता है कि आप जैसे आपके खुद के स्किन को आप देखोगे आईने में या कहीं पर भी आप ज़्यादा देखो तो उसमें सेल्स दिखेंगे, बहुत छोटी छोटी ब्रेक टाइप स्मॉलर लाइन्स दिखेगी, बट डायरेक्टली आप अगर देखोगे तो उतने डिटेल्स आपको नहीं दिखने वाले। तो वही चीज़ों को आप जब पोर्ट्रेट्स में या फिर ड्राइंग्स में अप्लाई करोगे तो वो रियलिस्टिक स्केचेस जाते हैं। तो ये स्केच पूरा स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आर्ट को पूरी दुनिया तक पहुँचाना है, तो यही चीज़ की वजह से आपको लाइक करना है, शेयर और कमेंट ये कर दो कि ये पूरे ट्यूटोरियल को आप कितना रेट करने वाले हो। तो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पूरे ट्यूटोरियल को। और बहुत लोग ये भी बोल रहे थे कि रियलिस्टिक स्केचेस में क्या टूल्स अलग अप्लाई होते हैं या फिर टूल्स अलग यूज़ करते हैं, तो उसमें कुछ भी अलग नहीं होता है, सेम टूल्स जो हम सारे ट्यूटोरियल्स में यूज़ करते हैं सेम टूल्स यहाँ पे भी अप्लाई होंगे, बट चीज़ होगी कि कैसे हम वो टूल्स को अप्लाई करने वाले हैं वही। तो वो सारे के सारे टूल्स जो मैंने यूज़ किए हैं वो अगर आपको बाय करने हैं तो सारे मैंने लिंक्स में डाल रखे हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो पहले टूल्स की बातें हो गई, तो उसके बाद रियलिस्ट स्केच स्टार्ट करने में हमारा पहली चीज़ है कि हमेशा की तरह हमें बेस लेयर को कभी भी नहीं भूलना है। अगर किसी भी चीज़ में अगर आप बेस लेयर को भूल रहे हो, कोई भी पोर्ट्रेट हो, जैसे कि कोई आर्ट्स बना रहा है, कोई एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बना रहा है, बहुत कैनवास में आर्ट बना रहे, वो भी अपने पूरे जो बेस होता है उस पर येलो कलर पहले कर देते हैं ताकि उनका बेस एकदम फ्लैट हो जाए, उस पर ज़्यादा वो लेयर्स चढ़ा पाए। तो वैसे ही ये भी स्केचेस में होता है कि हमेशा बेस लेयर आपको लगानी ही है, और रियलिस्टिक स्केचेस जिसके लिए आप अगर अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए तो हमेशा बेस लेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो एच पेंसिल को आप यूज़ कर सकते हो, एच पेंसिल सबसे लाइट होती है और उसमें उसके सबसे ज़्यादा हमारी चीज़ ये है कि जो हम पेपर यूज़ करते हैं जैसे 110 GSM होता है, 150 GSM, 200 डिफरेंट टाइप ऑफ GSM, मतलब ज़्यादा हार्डर और ज़्यादा टेक्सचर वाले पेपर्स होते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि उसमें जब भी आप शेड करोगे या कुछ भी मतलब पेंसिल से अप्लाई करोगे तो उसमें छोटे छोटे डॉट्स और डेंट्स रह जाने वाले हैं। तो वही रीज़न रहता है कि जब भी आप उसके ऊपर जब शेडिंग करोगे और उसको ब्लेंड करोगे ब्लेंडिंग स्टंप या किसी चीज़ से तो वो ठीक से ब्लेंड नहीं होता है। तो उसी वजह से हम बेस लेयर बनाते हैं पहले एच पेंसिल से, हो सके उतनी अच्छे से शेडिंग करो। सबसे बड़ी स्किल कोई भी आर्टिस्ट अगर वो बना सकता है वो है शेडिंग, बहुत अच्छे से जितना अच्छा आप शेडिंग कर पाओगे और जितने अच्छे से स्ट्रक्चर बना पाओगे आप बेस लेयर का उतने अच्छे आपके स्केचेस दिखने वाले हैं। आप उसके बाद उसको ब्लेंड हमने टिश्यू से कर दिया, स्टेप वन हम समझ चुके हैं। तो स्टेप टू के लिए हम यूज़ करने वाले हैं 2B पेंसिल या आप 3B, अगर आप स्किन टोन, जैसे कि स्किन टोन हमारे स्टोन कोल का थोड़ा बहुत लाइटर है तो उसके लिए हम सिर्फ 2B या 3B तक ही जाएंगे, 3B भी सिर्फ जो आईब्रोज और आई लैशेज वाला पार्ट है उसी के लिए यूज़ करेंगे। तो सेम रीज़न है कि हम 3B पेंसिल हम थर्ड लेयर के लिए या फिर सेकंड लेयर के लिए यूज़ करेंगे, फर्स्ट लेयर के लिए जो हमने यूज़ किया वो 2B पेंसिल। बट जो आप जैसे कि उनका बॉल्ड है थोड़े वो, तो लेफ्ट साइड वाला पार्ट देखो उनके वहाँ पे तो थोड़े बहुत डार्कर दिख रहा है, तो उन पार्ट पे सिर्फ आप 2B पेंसिल या फिर हाँ 2B या 3B पेंसिल, जो भी आपको जहाँ पे डार्कर दिख रहा है वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। और मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी चीज़ को, कोई भी पेंसिल्स यूज़ कर रहे हो, तो उसको शेडिंग करते टाइम थोड़ा बेंड कर दिया करो ताकि वो शेडिंग ठीक से हो पाए। और अगर आपको ये पूरा का पूरा स्केच रियल टाइम में देखना है कि कैसे प्रेशर अप्लाई करते हैं, कैसे सारी चीज़ें बनाते हैं, तो उसके लिए पूरी सेकंड चैनल है मेरी श्वेत का जिस 2.0, वहाँ पे आप देख सकते हो पूरे 10-12 घंटे का मेरा पूरा स्केच, आप भी अप्लाई कर सकते हो सारी चीज़ें जो मैंने अप्लाई की थी और सब बना। और उससे भी बड़ी चीज़ है कि जो भी आप पोर्ट्रेट यूज़ कर रहे हो वो भी कैसा यूज़ कर रहे हो, जैसे रेफरेंस पिक्चर, बहुत सारे लोग जैसे आप कमीशन आर्टवर्क या फिर कुछ बना रहे हो तो आपको पता होगा कि जो भी आपको फ़ोटोज़ मिलते हैं वो इतने HD नहीं होते हैं या फिर उसमें क्वालिटी नहीं होती है। तो जब आप इंटरनेट से या कहीं से भी आप डाउनलोड कर रहे हो पिक्चर्स को तो उसमें देखना चाहिए आपको कि उसमें क्वालिटी दिख रही है कि नहीं, और क्वालिटी के लिए आपको जितना हो सके उतना जूम आउट करना चाहिए आपके पिक्चर्स को, जितना जूम करोगे उतनी ज़्यादा डिटेल्स दिखेगी। और अगर आपको देखना है कि आपके पास जो भी पिक्चर है वो इतना HD है या नहीं, जूम करो उसके पिक्सल्स या फिर वो फट जाएंगे, बहुत फ्लैट दिखेगा। तो सेम रीज़न है कि जितना हो सके अगर आपके क्लाइंट है या फिर कुछ भी गूगल से भी अपलोड कर रहे हो आप, तो डाउनलोड कर रहे हो कोई भी पिक्चर्स तो देखो कि वो ज़्यादा HD है या नहीं। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट लेयर हो चुका है, तो फर्स्ट लेयर के बाद सेकंड लेयर सिर्फ उन्हीं पार्ट्स, जैसे कि आईज़ के आजू बाजू वाला अगर आप पार्ट देखो वहाँ पे थोड़े बहुत शेडिंग और थोड़ा बहुत डार्कर है, उसको आप 3B पेंसिल से फिलअप कर सकते हो। 3B पेंसिल से जैसे ही आप फिलअप कर दोगे उससे, उसके बाद जो जैसे आईज़ के लेफ्ट साइड वाली आई है स्टोन कोल्ड की, उसके नीचे का पार्ट देखो, वहाँ पे बहुत छोटे छोटे मैंने डॉट्स बनाए हैं। वो डॉट्स मैंने पहले पेंसिल मैकेनिकल पेंसिल से बनाए थे
उसके बाद उसके ऊपर फिर से मैंने जो हमारा सबसे सॉफ्ट वाला मेकअप ब्रश होता है उससे थोड़ा बहुत उसको उसके ऊपर थोड़ा रब कर दिया ताकि ब्लेंड हो जाए। उसके बाद फिर से मैंने मोनो इरेजर यूज़ किया ताकि उसको मुझे बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक बना पाऊँ, बट ये सारी चीज़ें सेकेंड लेयर के बाद। उसके बाद जो नोज़ वाला पार्ट है उसमें ऑफकोर्स लेफ़्ट साइड से लाइट आ रही है, तो ऑफकोर्स कहाँ पर शेड्स बनने वाला है, राइट में बनने वाला है, राइट। सो नोज़ के राइट साइड वाला पार्ट अगर आप फोकस करो तो थोड़ा बहुत डार्कर दिख रहा है आपको वहाँ पे, ठीक है। उसमें भी कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे नाक, जैसे नाक है उसके राइट साइड वाला पार्ट है, वहाँ पे थोड़ी थोड़ी जगह है जहाँ पे हाईलाइट्स बन रही हैं, ठीक है, तो वो पूरी चीज़ बना दी। और नोज़ के नीचे वाला पार्ट कम्प्लीटली ब्लैक है। और जो उनके मोस्टेज हैं, मोस्टेज में तो हम पूरा का पूरा डिस्कस थर्ड पार्ट में करने वाले हैं, बट इसमें थोड़ा बहुत बात कर लेंगे कि मोस्टेज बनाते टाइम अगर उनकी किसी भी पार्ट, मोस्ट ऑफ जो भी हम देखते हैं वो ब्लैक ही होती है, बट जो स्टीव ऑस्टिन की मोस्टेचेज है मतलब मूछ है वो उतनी गोल्डन है, ब्लैक पार्ट तो ज़्यादा है ही नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, पहले 8B पेंसिल से सिर्फ जो छोटे छोटे बाल जो सबसे ब्लैक दिख रहे हैं, सबसे जैसे जैसे नाक के एकदम नीचे वाले बाल को अगर आप देखोगे फोकस करोगे तो वो है, तो पूरा का पूरा मोस्टेच वाला पार्ट हम देखने वाले हैं थर्ड में। सो बाय।